हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल सारिआं नूं, मेरी यूट्यूब फैमिली नूं सारिआं नूं सत श्री अकाल। तो दोस्तों, अपन हो गए हैं नहा के तैयार। तभी मैंने जर्सी नहीं पहनी है, तभी मैंने रखी है गैस पे चाय। चाय पियेंगे, ठंड बहुत लग रही है। अभी जर्सी नहीं पहनी, जर्सी जाके अंदर पहनूंगी। पहले जाऊंगी छत पे, छत पे कपड़े सुखा के आऊंगी। कपड़े सूखे नहीं है गाइस, जो मैंने कल धोए थे ना कपड़े, तो गाइस मशीन चलाई थी तभी मशीन ख़राब हो गई थी। चलती चलती पता नहीं जो बटन थे ना उनमें से धुआं निकल गया था। तो मैंने जल्दी से प्रीति को बुलाया, फिर मैंने बंद कर दी। हमने कि ज़्यादा ना नुकसान हो जाए, कभी मोटर फूक जाए। ये तो शुक्र है कि जो उसके बटन है ना उन्हीं में से धुआँ निकला था। तो फिर मैंने सारे कपड़े ना गर्म करके गीजर में पानी, तो हाथ से ही धोए थे, सर्फ से सारे कपड़े धो के, तो फिर सुखा के आई थी ऊपर छत पे। तो फिर जा रहा उस पड़ती ना, तो मैं ऊपर से ले आई थी रात को ले, फिर सुखा के आऊँगी मैं छत पे ही। दोबारा से बाल्टी भर के लेके जाऊँगी छत पे, सुखाऊँगी। मशीन में नहीं सूखते ना तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। क्या कि ठंड ज़्यादा ना, इधर ठंड भी है, ओस भी बहुत ज़्यादा है। तो प्रीति हर आज आ जाएंगे, वो उन्हें मैंने कल भी बताया था ना, वो कल गए हुए हैं ऐश की चाची के पास। तो गाइस, तो आज आ जाएंगे वो, आज शाम तक ही आएंगे। तो मैं और ऐश का पापा ही हम पे घर पे दोनों जाने ही। तो हम बनाते हैं चाय, पीते हैं, ठंड लग रही है। अभी नहा के आई थी ना मैं, तो मैंने सोचा गर्म गर्म पानी चलो नहा लेते हैं। तो सिर भी धोया मैंने। तो चलो रिंकी, रिंकी कहाँ गई? चल रिंकी, तुझे भी मैं रोटी डाल देती हूँ, उसको भी दूध और रोटी डालती हूँ। सुबह एक पराठा डाला था जब बनाया था हैप्पी के लिए, तभी डाला था मैंने इसको। अब डाल देते हैं इसको, तभी उनमें उनको आने में तो टाइम लगेगा गाइस। वो तो शाम तक ही आएंगे। तो मुझे भी वापस जाना है घर। दीपक बोल रहा था कब आओगे, मैंने कि तू तो कह रहा था जा जा जा, अब तेरा जल्दी बोल रहा है कब आएगी। मैंने कि आ जाऊंगी जब मुझे आना होगा। तो हवा भी चल रही है, लेकिन आज धुंध वैसे कम थी वैसे, लेकिन हवा चल रही है गाइस, हवा चल रही है। तो ये दो गऊ है प्रीति की, इधर बांध रखी है। ये गऊ का घर अलग से बना रखा है, एक लाल वाली है, एक ये ब्लैक वाली है। तो सुबह हैप्पी दूध निकाल गया था तो रख के चले गए थे, फिर मैंने गर्म करके रख दिया। तो ये देखो, ये किधर डोल रही, जिधर प्रीति ने पालक लगाई है ना तो उसमें डोल रही है। देखो इसको, ये देखो रिंकी, रिंकी ये देखो इसमें डोल रही है। ये आ गई है, इसको लग रही, मुझे लगती भूख। इसको डालूँगी मैं दूध। चलो छत पे चलते हैं, छत पे। लेकिन धूप आई नहीं, हवा बहुत तेज चल रही है। चल रिंकी, हटो 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 डॉगी, हटो हटो, मुझे जाने दो। तो क्या था, बाहर का गेट भी रिंकी ने खोल दिया था। चलो गाइस बाय, मिलते हैं कल आपके साथ। ये देखो मेरे हाथ भी काले हो गए। मैंने पता क्या किया था, तो मैंने बालों में कलर लगाया था ना, तो मैं वैसे तो ग्लव पहने थे हाथ पे, और फिर मैंने ना वो थोड़ा सा हाथ में लग गया था, तो उसी से हाथ काले हो गए। देखो सारे, ये देखो, तो ये मैंने कलर कर गया था बालों में, तभी मैंने सिर धोया है। मिलते हैं, ऐश आएगी तब मिलेंगे आपके साथ। गाइस ये जो बांध रखे है ना प्रीति अर ने, ये जब बच्चा होता ना लड़का घर पे, तो तब ये गेट पे बांधे जाते नीम, और ये बच्चों के खिलौने रहते ना जो ये बांधते हैं। जब इसके देवरानी के लड़का हुआ था तो तभी बांधे थे इन्होंने। ये भूआ बांधती है, जो ननद रहती है ना बच्चे की भूआ, वो ही बांधती है गाइस। चलो मिलते हैं जब ऐश आएगी आपके साथ, तब दिखाएंगे आपको। बच्चे नहीं हैं घर पे तो मन भी नहीं लगता, अकेले हैं कुछ मन नहीं लगता, और कुछ भी ऐसा लगता जैसे कोई काम ही नहीं है घर पे।
तो मैंने कपड़े तो धोए नहीं है। कल संडे को हैप्पी मशीन सही करवाएगा, बोल रहा था मिस्त्री को बुला के मशीन सही करवाएंगे तो तभी गाइस कपड़े धोएंगे। गाइस ये जनरेटर रखा है, तो ये इनका साइकिल भी रखा है, तो साइकिल पे पता क्या है, ये जो इनकी गाय रखी है ना उसके लिए निहार लेके आते हैं। तो ये जनरेटर पहले का था पुराना, तो अब तो इसका रिवाज ही नहीं है, अब तो इन्वर्टर लगवा लिया है इन्होंने। चले गया इन्वर्टर ही, वैसे अब जनरेटर कौन चलाता है, इसमें भी तेल डालना पड़ता है, पता नहीं डीजल डालना पड़ता तभी चलता है ये। तो ये टेंकी थी पुरानी वाली, वो वाली जो जिसमें गेहूँ भरते थे, वो वाली टेंकी है ये। ओके बाय, थैंक यू।